हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कंफर्म कर देंगे क्विकली, आपका ऑडियो आपका वीडियो आपको एक्सेसिबल है, इट्स ओके। सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए ऑल ऑफ यू, जितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं तो क्विकली सभी कंफर्म कर देंगे। यस, डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन, ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। ओके फाइन, सो वी कैन स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर वन मॉड्यूल ए एबीएम में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, अब उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। सो डेटा का क्लासिफिकेशन, डेटा का टेबुलेशन, इसको लेकर के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। द रॉ डेटा कलेक्टेड आर अरेंज्ड रेंडमली हैफजर्डली। सो जो भी रॉ डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको जो उसका अरेंजमेंट है वो एक हैफजर्डली अरेंज्ड डेटा होता है। सो वो रेंडम है और हैफजर्डली अरेंज्ड है, यानी वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है, जिसके कारण उसको यूज नहीं किया जा सकता या इन लिमिटेड वे उसको यूज किया जा सकता है। रॉ डेटा डज नॉट गिव एनी क्लियर पिक्चर एंड इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग एनी कंक्लूजन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रॉ डेटा किसी प्रकार का कोई क्लियर पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी क्लियर पिक्चर, और उसका रिजल्ट क्या है कि अगर हम उसको इंटरप्रेट करना चाहें या किसी प्रकार के कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें, तो वो प्रोसेस डिफिकल्ट बन जाएगा। या ब्रॉडली हम ये कहें कि रॉ डेटा को वर्चुअली हम यूज नहीं कर सकते। टू मेक डेटा अंडरस्टैंडेबल कंपेरेबल एंड लोकेट सिमिलैरिटीज, डेटा रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन। तो अगर हमने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, आफ्टर ऑल फॉर व्हाट वी हैव कलेक्टेड द डेटा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर हमने डेटा को अंडरस्टैंड करना है, नंबर वन, अगर हम डेटा को कंपेरेबल बनाना चाहते हैं, हमने किसी तरह से उसको कंपेयर करना है विद डिफरेंट पैरामीटर्स, या उसमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो लोकेट करनी है, रिलेशनशिप्स लोकेट करनी है, तो उस केस में डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो डेटा विल रिक्वायर क्लासिफिकेशन। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डेटा को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आवर आंसर विल बी कि डेटा को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, कंपेरेबल बनाने के लिए, और डेटा में सिमिलरिटीज को लोकेट करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। नो, क्लासिफिकेशन क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन क्लासिफिकेशन? अगर क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू डेटा, then what is classification? So classification is the method of arranging data. तो ये एक method है, ये एक process है data को arrange करने का, into homogeneous group or classes. Homogeneous, एक होता है heterogeneous, एक होता है होमोजेनस। सो होमोजेनस मीन्स सिमिलर,
एंड हेट्रोजेनस होता है अलग अलग डिफरेंट. तो हियर वी हैव टू फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन दैट डेटा. उस डेटा के अंदर कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल एज, चाइल्ड का एज, अडल्ट्स का एज, सीनियर सिटीजन्स का एज. तो कुछ ना कुछ इसमें सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होंगे. उसके बेसिस के ऊपर हम एक होमोजेनस ग्रुप और होमोजेनस क्लास को क्रिएट करते हैं. तो जब डेटा को उस प्रकार से अरेंज किया जाए तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल इन डिस्पैच डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक, इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग लेटर्स, द लेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सिटीज एंड फर्दर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट्स. सो ये एक और एग्जांपल हो गया. किसी बैंक के डिस्पैच डिपार्टमेंट के अंदर जब लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है तो लेटर्स का जो सॉर्टिंग है वो स्टेट वाइज, फिर सिटी वाइज और मे बी देन स्टेट वाइज उसका सॉर्टिंग किया जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आई होप विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या क्या रहते हैं? देर आर डिफरेंट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. तो अंडरस्टैंड करते हैं क्लासिफिकेशन के ये बेसिस कौन कौन से हैं. सो वन इज क्वालिटेटिव बेस. एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव पैरामीटर. सो डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वालिटी और सम एट्रीब्यूट. तो डेटा का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो किसी क्वालिटी या किसी एट्रीब्यूट के बेसिस के ऊपर किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ विजडम ऑफ अडल्ट्स, लेवल ऑफ कंपिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज. सो एम्प्लॉयज का विजडम, एम्प्लॉयज का कंपिटेंस, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते इसीलिए वो क्वालिटेटिव पार्ट में आ जाता है. इट्स सब्जेक्टिव. सो वन बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिनको हम गुण अवगुण कहते हैं. सो दिस इज वन मेथड जिसके बेसिस के ऊपर हम डेटा का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. नो सेकेंड बेसिस इज क्वांटिटेटिव बेस. सो क्वांटिटेटिव बेस मेजरेबल होता है. सो डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स. सो कुछ क्वांटिटेटिव यानी जिनको काउंट किया जा सकता है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लाइक किलोमीटर्स, लाइक सैलरी, लाइक वेजेस, और हाउसेस के केस में लाइक रेंट. सो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव बेसिस हैं. तो जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्वालिटेटिव बेसिस को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं. तो आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया ये सभी को एकदम क्लियर है. और अगर ऐसा है तो क्विकली हम पोस्ट कर देंगे एनक्यू, नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे अपने चैट बॉक्स में.
सो सभी स्टूडेंट्स ये कंफर्मेशन भेज देंगे मुझे बाय टाइपिंग एनक्यू नो क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। यस क्विकली कंफर्म कर दीजिए। हर चीज़ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है और आपने प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो भेज दीजिए ज़रा ये कन्फर्मेशन। ऑल ऑफ यू सभी कन्फर्म कर देंगे, सो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं सभी कन्फर्म कर देंगे क्विकली। देन जियोग्राफिकल बेस, सो ये थर्ड हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जियोग्राफिकल बेस। तो इसके अंदर हम डेटा का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रीजन्स और जियोग्राफिकल लोकेशंस। सो जियोग्राफिकल रीजन्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस, नाउ दीज मे बी डिस्ट्रिक्ट्स, दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ टाउन्स, दीज मे बी इन द बेस ऑफ रिलीजन्स, और मे बी सॉरी नॉट रिलीजन्स रीजन्स, एंड दिस मे बी ऑन द बेस ऑफ नेशंस कंट्रीज। सो जब हम डेटा को इन बेसिस के ऊपर लेट अस से 10 टाउन्स जो एक पर्टिकुलर पैरामीटर को फुलफिल करते हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 रीजन्स, 32 नेशंस लाइक दिस। सो जब ज्योग्राफिकल बेस के ऊपर हम डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, देन फोर्थ वन क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस। सो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल ये टाइम को रिलेट करता है, जैसे ये अक्र होता है, हैपन होता है, तो इसका क्लासिफिकेशन हम उस बेसिस के ऊपर करते हैं। सो डेटा इज क्लासिफाइड और अरेंज्ड बाय द टाइम ऑफ अकरेंस, तो वो इवेंट कब अकर हुआ, कब वो इवेंट हैपन हुआ। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम इट मे बी ईयर्स, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, वीक्स और इवन डेज और आवर्स। नाउ फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी के जो रेट्स हैं वो आवरली बेसिस के ऊपर और मिनट्स के बेसिस के ऊपर चेंज हो जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड डेटा हमारा टेम्पोरल बेस्ड डेटा हो जाएगा या क्रोनोलॉजिकल, जैसे वो हैपन हो रहा है, जो हिस्ट्री बन रही है, तो उस क्लासिफिकेशन को बेस को हम क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस कहेंगे। तो ये चार डिफरेंट टाइप के बेस हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और ये जो हमने लास्ट वन को देखा है क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। और टाइम सीरीज के ऊपर स्टैटिस्टिक्स में हमारा एक पूरा चैप्टर है, तो दिस क्लासिफिकेशन द क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज डेटा। तो आई एम श्योर यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से हमें क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो बेसिस के बाद टाइप्स, सो पहले था किस आधार पे करते हैं और अब है इसकी काइंड्स, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो इसमें ब्रॉडली तीन तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। तो एक क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड हो जो, सो जब वो क्लासिफिकेशन
एक करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है तो वी कॉल इट वन वे क्लासिफिकेशन, तो उसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। तो इसमें सिंगल करेक्टरिस्टिक को लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। सो जैसे एम्प्लॉय को क्लासिफाई किया गया बैंक के अंदर, सब स्टाफ कितने एम्प्लॉयज हैं, क्लर्क्स कितना नंबर है, ऑफिसर्स कितना नंबर है, तो हमने यहाँ पे उनके डेजिग्नेशन के बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया। सो बैंक के अंदर लेट अस से 10,000 टोटल एम्प्लॉयज हैं, उसके अंदर 1,000 हमारे पास लेट अस से सब स्टाफ है, 6,000 हमारे पास क्लर्क्स हैं और 3,000 हमारे पास ऑफिसर्स हैं। तो यहाँ पे हमने उनके डेजिग्नेशन के बेसिस के ऊपर ये क्लासिफिकेशन किया, तो इसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। नाउ दिस क्लासिफिकेशन कैन बी टू वे आल्सो, तो लेट अस सी व्हाट इज टू वे क्लासिफिकेशन। तो व्हेन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक, सो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैपन्ड हैं, एग्जिस्ट करते हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको हम कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। तो जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये वन वे, और अगर ये टू कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये कहलवाएगा टू वे। सो टू वे क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल। बैंक एम्प्लॉयज क्लासिफिकेशन इज डन सब स्टाफ और क्लर्क्स, और उसको हम ऐड कर लेते हैं उनकी सैलरी रेंज। सो कितना सब स्टाफ है, कितने क्लर्क्स हैं, और साथ में उनका सैलरी रेंज क्या है। सो क्लर्क का सैलरी रेंज अलग अलग हो सकते हैं, सब स्टाफ का अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ सर्विस उनकी जो सैलरी रेंज अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दो एस्पेक्ट्स को बेस बनाया टू मेक द क्लासिफिकेशन, तो इसको हम कहेंगे टू वे क्लासिफिकेशन। और तीसरा है मल्टी वे क्लासिफिकेशन। तो मल्टी वे क्लासिफिकेशन में वी टेक इनटू अकाउंट मोर देन टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो से ज्यादा। सो दिस कैन बी थ्री, दिस कैन बी फोर, दिस कैन बी फाइव, सो ऑन। दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को जब लेंगे तो वी कॉल इट मल्टी वे क्लासिफिकेशन। और हम अपनी ऊपर वाली एग्जाम्पल को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें एक एलिमेंट हम और ऐड कर देते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज डेटा एज अ सब स्टाफ एंड क्लर्क्स, तो ये एक करेक्टरिस्टिक हुआ। देन उनका सैलरी रेंज, ये दूसरा करेक्टरिस्टिक्स हुआ। और तीसरा उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे तीन करेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो जब हम डेटा का क्लासिफिकेशन दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर करें तो वी कॉल इट मल्टी वे क्लासिफिकेशन। एंड आई एम श्योर यहां तक जो कुछ भी हमने सुना देखा, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, और हमने इसको नोट भी कर लिया है। तो क्विकली मुझे स्माइल करके दिखा देंगे फटाफट, तो वो कंफर्मेशन होगा आपका दैट यू नाउ अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप हर चीज अब
अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो भेज दीजिए वो कन्फर्मेशन और स्माइल करके दिखा दीजिए क्विकली, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे इनके क्वेश्चंस को। सो जो कुछ भी हमने किया उसके क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर बन सके। कर दीजिए कन्फर्म ऑल ऑफ यू, सभी कन्फर्म कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन का। सो डू इट क्विकली। ओके फाइन, तो लेट अस सी द क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाई इज द क्लासिफिकेशन नेसेसरी फॉर डेटा। सो डेटा को क्लासिफाई करना क्यों नेसेसरी है, टू मेक द डेटा रैंडम, टू मेक द डेटा अंडरस्टैंडेबल कंपेरेबल एंड लोकेट सिमिलैरिटीज, टू मेक द डेटा डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, टू मेक द डेटा इम्पॉसिबल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस को बड़ी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी नो द वी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। यस, व्हाट विल बी योर आंसर। तो आप चाहें तो अपने नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पर्पस आंसर देने से पहले। यस, वेरी करेक्ट। तो आंसर हियर इज बी, दैट इज डेटा को बेहतर अंडरस्टैंडेबल करने के लिए, कंपेरेबल करने के लिए और उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन द क्लासिफिकेशन। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, अरेंजिंग डेटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजिंग डेटा इनटू रैंडम ग्रुप्स, मेकिंग डेटा इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट और नन ऑफ द अबव। तो इसका क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर टू के लिए। यस, व्हाट इज द आंसर। वेरी करेक्ट। तो आंसर हियर इज ए, डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करना उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पे क्लासिफिकेशन दिए जाएंगे, उनमें से आपको पिकअप करना होगा क्वालिटेटिव बेस। तो इट कुड बी क्वांटिटेटिव ऑल्सो, इट कुड बी क्वालिटेटिव, इट कुड बी जियोग्राफिकल ऑल्सो और इट कुड बी टेम्पोरल ऑल्सो। और यहाँ पे हमने आंसर देना है क्वालिटेटिव बेस, किलोमीटर्स, सैलरी, विजडम और जियोग्राफिकल रीजन्स। तो इनमें कौन सा आपको लगता है डेटा क्लासिफिकेशन के लिए वो बेस क्वालिटेटिव बेस है। सो क्वालिटेटिव बेस कौन सा है। यस, द आंसर इज विजडम, आंसर इज सी। सो वो क्वालिटेटिव है बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट और सम क्वालिटी। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिकल बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ गिवन ऑप्शन में से जियोग्राफिकल बेस क्या है क्लासिफिकेशन के लिए, किलोमीटर्स, सैलरी, विजडम या जियोग्राफिकल रीजन। ये तो बहुत आसान सा आंसर है एंड एवरीवन शुड बी एबल टू डू इट। तो जैसा क्वेश्चन है उसी प्रकार का उसमें आंसर भी अवेलेबल है। यस, इट इज जियोग्राफिकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इनमें क्वांटिटेटिव बेस कौन सा है, किलोमीटर्स, सैलरी, विजडम और जियोग्राफिकल रीजन। तो क्वांटिटेटिव बेस इनमें से कौन सा है।
सो क्वांटिटेटिव बेस में हमारे पास यहाँ पे दो आंसर्स आ जाएंगे, एक नहीं दो, ए आंसर भी सही है और उसके साथ साथ बी आंसर भी सही है। तो यहाँ पे हमारे आंसर आएंगे ए एंड बी। तो जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ टेम्पोरल बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, सो क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल बेस, किलोमीटर, सैलरी, विजडम और ईयर्स, तो विच वन ऑफ दीज इज टेम्पोरल बेस, टेम्पोरल बेस कौन सा है। सो इसमें टेम्पोरल बेस हमारा बन जाता है ईयर्स, तो जब हम इसको टाइम्स में दिखा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखा रहे हैं, तो इट इज टेम्पोरल, सो ईयर्स। फ्रेंड्स, और क्वेश्चन कवर करने से पहले क्विकली आपका अगर लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हो तो उसको क्विकली कंप्लीट कर देंगे, डू इट क्विकली। और इस पेज के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो उसको अगर आपने अभी तक रीड नहीं किया तो उसको ज़रूर रीड करिए। तो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लाइव क्लासेस की सफिशिएंसी के बारे में है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो कंटेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। सो लाइक डिसलाइक जिनका अभी तक भी नहीं हुआ क्विकली उसको कंप्लीट कर देंगे, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। व्हाट इज टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा हम किसको कहते हैं, डेटा दैट इज रैंडमली अरेंज्ड, डेटा दैट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, सो डेटा विच इज क्लासिफाइड बाय ज्योग्राफिकल रीजन और लोकेशन, डेटा विच इज क्लासिफाइड बाई टाइम ऑफ अकरेंस, इनमें से किसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। सभी क्वेश्चंस अब आपको बहुत आसान से लग रहे होंगे बिकॉज अब हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यस, वेरी करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज अरेंज्ड बाय टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम ऑफ हैपनिंग। व्हाट डज रॉ डेटा रेफर टू, रॉ डेटा हम किसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं डेटा विच हैज बीन अरेंज्ड इनटू होमोजेनस ग्रुप, डेटा दैट गिव्स ए क्लियर पिक्चर, डेटा दैट हैज बीन रेंडमली अरेंज्ड और डेटा दैट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट, तो किसको हम कहते हैं रॉ डेटा। क्वेश्चन नंबर 8, सो किस डेटा को कहेंगे रॉ डेटा। यस, सो द डेटा जिसको हमने अरेंज किया हुआ रैंडमली, सो डेटा विच हैज बीन रैंडमली अरेंज, एक सिस्टेमेटिक वे में नहीं, एक रैंडम वे में उसको अरेंज किया है। व्हाट डज इंटरप्रेटिंग रॉ डेटा बिकम वेरी डिफिकल्ट, सो बिकॉज इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर, बिकॉज इट इज अरेंज इन टू होमोजेनस ग्रुप, बिकॉज इट इज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स और बिकॉज इट इज रेंडमली अरेंज्ड, सो वाई डज इंटरप्रेटिंग रॉ डेटा बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्यों वेरी डिफिकल्ट बन जाता है रॉ डेटा को इंटरप्रेट करना। सो इट इज बिकॉज इट इज रेंडमली अरेंज्ड, क्योंकि इसको रेंडमली अरेंज किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज क्लासिफिकेशन हेल्प लोकेट इन डेटा, सो क्लासिफिकेशन डेटा को लोकेट करने में कैसे हेल्पफुल है, डिफरेंसेस को लोकेट करता है, रेंडमनेस को लोकेट करता है, सिमिलैरिटीज को लोकेट करता है, या अनप्रेडिक्टेबिलिटी को रिलेट करता है, लोकेट करता है। सो व्हाट विल बी द आंसर, सो सर्टनली इट इज द सिमिलैरिटीज, सो सिमिलैरिटीज को लोकेट करता है। चलिए फ्रेंड्स,
आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, तो मैं आपके साथ फिर शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपने अदर देन दिस लेसन कुछ पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और तीसरा हमारी ऐप है, उसका जो मैसेज बॉक्स है NSTour ऐप का मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लेसन। तो आप क्वेश्चन देंगे तो उसको सूटेबली हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे आपको। चलिए अब आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, तो वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।